क्या कहता है, एक ने तो वीडियो बनाई थी और एक ने बया था, वो मारने की धमकी दे रहा था, तो मार दूंगा जान से। कल एक खबर हमने आपको अपने चैनल पर दिखाई थी जिसमें साफ दिखाया गया था कि एक बच्चे को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि वो मंदिर में पानी पीने चला गया था। ये घटना का वीडियो उसने आरोपी ने खुद ही बनवाया और उसको वायरल भी किया, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और ये मामला राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया। टाइम 24 की टीम गाज़ियाबाद के डासना पहुंची है जहां वो बच्चा रहता है, जहां उसका निवास है। हम उससे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उस दिन की पूरी सच्चाई क्या थी। कई सवाल हमारे तुम्हारे मन में ये भी होंगे कि आखिर जो वीडियो में दिखाया गया था क्या वही पार्ट था इस घटना का, या उससे पहले भी या उसके बाद भी इस बच्चे के साथ कोई अनहोनी या कोई घटना या किसी तरह की टॉर्चर किया गया था। चेहरा हम इसका ब्लर रखेंगे बच्चे का, क्योंकि हम अपनी मर्यादा का ख्याल रखते हैं, इस बच्चे की चेहरा हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन नाम ज़रूर बता देते हैं इसका। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आसिफ। आसिफ नाम है इस बच्चे का जिसके साथ घटना हुई है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जब आप वहाँ मंदिर में गए थे उससे पहले आप कहाँ से आ रहे थे और क्या करते हैं? वहाँ से हम आ रहे थे ना, वहाँ पर मैंने रिक्शा खड़ा कर दिया तो मुझे तेज की प्यास लग रही थी, खड़ा करके मैं चला गया था। फिर बाहर को आया था मैं, बाहर से आकर फिर वो बुलाने लग गया मुझे ना कुआ। किसने बुलाया था? पंडित जी ने बुलाया था जो उस मंदिर में रहते। हाँ, जो पंडित जी मंदिर में रहते, उन्होंने बुला कर मुझे ना बुला कर पीछे को ले गया था। एक ने तो वीडियो बनाई थी और एक ने बया था, वो मारने की धमकी दे रहा था, गलत ये मार दूंगा जान से। फिर दूसरा वाला पंडित जी कहने लगे छोड़ दे, जान दे। फिर मैं भाग कर आया था बाहर। जैसे तो उन्होंने तुम्हें बुलाया, बुलाने के बाद तुम्हें पीटा, लेकिन उससे पहले की बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ, उन्होंने तुम्हारा नाम पूछा होगा, कारण पूछा होगा, यहाँ क्यों आए, मंदिर में क्यों आए, इस तरह की भी तो सवाल जवाब हुए होंगे, क्या था वो? पापा का नाम भी बताया, पहले पूछा पापा का नाम क्या, मैंने कह दिया हबीब। फिर कहने लगा तेरा क्या नाम है? आसिफ। फिर बाहर को आया था मैं, पीछे को ले आकर मेरे में बजाने लग गए, बजा कर फिर मैं बेहोश होगा तब पानी वानी, फिर मेरे मुंह पर एक आदमी ने पानी डाला, फिर मैं मुँह वाद धुलाए, फिर मैं गया था वहाँ, पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पर। फिर उनसे की थी मैंने, अंकल जी ऐसे 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 बात है, वो उन्होंने की चौकी चलाया, उन्होंने कारोबारी नहीं की करी थी। फिर मैं घर पर आया था पापा। पुलिस कहाँ खड़ी थी जिससे तुमने कहा था? अस्पताल के दौरे खड़ी थी वो। हाँ, घर पे आया, फिर मैं आया था पापा से कि पापा ऐसे ऐसे बात है, पापा कह रहे सुबह को चलेंगे। मैंने कि ठीक है पापा। फिर पापा गए मसूरी थाने, मसूरी थाने से पापा ने वो मेरी रिपोर्ट विपोर्ट बनवाई उन्होंने, फिर दवा ववा दिला कर फिर वो चले गए थे। अच्छा, तुम मुझे एक बात और बता रहे थे अभी आसिफ, तुमने कहा था कि मैं बेहोश हो गया था, तो मतलब ये पिटाई के दौरान तुम बेहोश हुए थे? हाँ, पीटा, जैसे पीटा ना उन्होंने तो मैं बेहोश हो गया था। फिर दूसरा दुकान खोल लिए एक वहाँ पर, तो उन्होंने पानी वानी डाला था, उन्होंने देखा था मुझे। फिर उन्होंने कहाँ देखा था? तुम पैदल चलकर ही गए थे उस दुकान तक? हाँ, पैदल ही, ज़्यादा दूर भी नहीं, थोड़ी सी बस रोड से आगे कोई ही दुकान भी, अब वहाँ पर झूला वाला भी था, उन्होंने मल्लम मल्लम भी लगाया, मेरे पट्टी वट्टी बांध दी, फिर मैं घर को आ गया था। अच्छा, डासना में तुम कहाँ रहते हो, कब से रहते हो, और इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले भी नहीं, पहले बुलंदशहर रह के रहते हम। अच्छा, बुलंदशहर। हाँ, फिर वहाँ पर आ गए हम वहाँ से। हाँ, काम वाम ना चल रहा था वहाँ। परिवार में और कौन है पिता माँ के साथ तुम्हारे अलावा? अम्मी है मेरी और पापा भैया है मेरे, बहन है। अच्छा, पुलिस ने उसे जो आरोपी है उसे गिरफ्तार करके तो जेल भेज दिया। हाँ, जेल भेज दिया, लेकिन एक और उसमें वो था शख्स जो वीडियो बना रहा था आरोपी, वो उसको भी जानते हो तुम क्या? उसे नहीं जानते थे, जो वो तो नया आया था, वो पहले तो नाम पहले तो चले आ कर कुछ ना कह कर कोई भी, जो दूसरे वाले पंडित जी वो ना कह रहे कुछ भी। अब जब से लोन डाउन खुला ना, यू जब से मानना चालू कर दिया इन्होंने, उन्होंने यही वजह बताई तुम्हें कि तू पानी पीना है इसलिए तुझे पीटा गया? हाँ, पानी पी के मैं पीटा, फिर उन्होंने मुझे, ये बात थी बस। तो ये है वो आसिफ जिसकी वीडियो भी आपने देखी, जिसके साथ घटना हुई, वो काफ़ी निंदनीय है। लेकिन एक बच्चे को जो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर मंदिर के बाहर, जानकारी हमें ये भी मिली थी कि मंदिर के बाहर ये लिखा हुआ है कि मुसलमानों का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है, कि जब बच्चा ये पढ़ा लिखा नहीं है और इसको मंदिर के बारे में ये नहीं पता कि यहाँ मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तब उसको इस वजह से इतना पीटा गया कि ये बच्चा यहाँ क्यों आया। लेकिन सवाल कई हैं आपके भी मन में और हमारे भी मन में, लेकिन इसका स्पष्ट ये है कि अगर इस बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा गया है कि ये मंदिर में पानी पीने चला गया था, तो सवाल हमारा ये है कि इस बच्चे के साथ जो ये ज्यादती हुई है ये कहां तक सही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।